नाइस कॉम्प्लीमेंट इज़ अबाउट, लोग बोल रहे हैं कि एड्स और पीपी की जो जोड़ी है वो बहुत अच्छी लग रही है, तो आई थिंक अगर किसी मूवी में लोग कैरेक्टर से कनेक्ट कर ले तो वो बहुत अच्छा होता है. सो दैट्स काइंड ऑफ वर्किंग फॉर अस अलॉट. एंड जिस तरह से हमने कड़वी कड़वी जो चीज़ें हैं उन सबको थोड़ा शुगर कोट करके बताया, दैट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, वो लोगों को अच्छा लग रहा है. मेरे लिए तो ये बहुत ही उत्तरी मोमेंट है और लोगों को अच्छी लग रही है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं. सो इसी के लिए काम करते हैं, इसी के लिए मेहनत करते हैं, और जब वो लोगों को पसंद आती है तो अच्छा लगता है. बहुत प्रोफेशनल है मीडिया. मीडिया की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, यही मैंने अपनी फिल्म में बताया है. और आज का मज़हब मीडिया है, जो कह दिया वो मान लिया. तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मीडिया को काम करना पड़ता है क्योंकि लोगों का यकीन है मीडिया पर. लेकिन दूसरी तरफ कई सारे प्रेशर्स भी होते हैं मीडिया के ऊपर. तो इन दोनों के बीच में वो कैसे अपना सफ़र तय करते हैं, ये बहुत ही रोचक बात है देखने के लिए. और जब ये सफ़र तय करते हैं तो उसमें कई सारे उत्तेरी मोमेंट होते हैं, तो वही फिल्म की कहानी बताती है. सलमान भाई ने कहानी सुनी, उनको बहुत अच्छी लगी, पूरा सपोर्ट दिया उन्होंने. और उनके सपोर्ट के साथ ही हम लोग ये एक काम अपने फुल सेटिस्फेक्शन के अनुसार कर पाए. तो मेरे ख्याल से बहुत ही अहम उनका योगदान रहा है पूरी इस प्रोजेक्ट में, पूरी इस फिल्म में. और सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि वो कुछ खुद कुछ कहना चाहते थे और इस पॉलिटिकल सटायर के माध्यम से उनको एक मीडियम मिल गया इस चीज़ को कहने. नहीं, हमने विवाद वाली बात को, हम तो दो ही दिखा रहे जो हम रोज़मर्रा पेपर में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम दिखा रहे कि हम भी देखा अनदेखा कितनी चीज़ों को कर रहे हैं. और मतलब सोच पे ही दुनिया चलती है, और अगर सोच बदल जाए तो क्या नहीं बदल सकता. आई मीन हिंदुस्तान इज सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, मतलब इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इससे पावरफुल कंट्री कोई है नहीं. तो सिर्फ एकजुट होने की बात है. जब जब ये देश एकजुट हुआ है, बदलाव आया है, तो हमने इसी चीज़ को सटायर के तौर पे, जैसे एक स्ट्रीट प्ले होता है जो व्हाट यू सीइंग इन रियल लाइफ यू गेट इंस्पायर्ड और यू ट्राई टू शो इट इन अ वे दैट पीपल एक्सेप्ट द मैसेज. क्योंकि सिर्फ कहने से, कहने को तो छोटी छोटी चीज़ें, बूंद बूंद समुंदर भी मतलब कहने को बहुत ईजी है, लेकिन जब तक आदमी बात समझे ना, वो अप्लाई नहीं करता और उसकी अच्छाई नहीं समझता. तो हमने भी कोशिश की है कि जो भी हम कहना चाहें, हम एंटरटेनमेंट और सॉन्ग डांस और जो रेगुलर बॉलीवुड का फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट में हम अपनी बातें कहें. एक्सपोजिंग, क्योंकि ये पत्रकार हैं, इन्हें इनकी नौकरी चली जाती है और इन्हें कहा जाता है कि कुछ सेंसेशनल न्यूज़ लाओ, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ लाओ, स्कैम लाओ. तो वो अपने एक्सपोजिंग के चक्कर में दिल्ली जैसे शहर में फिर क्या क्या होता है उनके साथ, सटायर अनफोल्ड्स, तो इसीलिए एक्सपोजिंग.